इनरविल क्लब की एक नई शुरुआत हुई है। जी हाँ, इनरविल क्लब ने शुरुआत करी है इनरविल पाठशाला की। डिस्ट्रिक्ट 301 इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 301 की तरफ से दक्षिणी दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस में इनरविल पाठशाला का शुभारंभ किया गया। पाठशाला में बच्चों के लिए किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग, जूतों के साथ साथ उन्हें बैठने के लिए जो टेबल है, वो टेबल और चेयर है, उसके भी इंतजाम यहां पर किए गए। इनरविल पाठशाला के द्वारा लगातार क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर, क्योंकि इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 301 लगातार काम कर रहा है। वहीं इनरविल की ये जो शुरुआत है बच्चों को लेकर, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और उनके पास कई सारे अभाव होते हैं, जिनकी कमियां होती हैं, जिसके वजह से वो स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इनरविल पाठशाला की जो शुरुआत है वो करी गई है दक्षिणी दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शुरुआत हुई है जहाँ पर देखिए इनरविल क्लब से जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके से आगे की भविष्य में किस तरीके की योजना रहेगी वो भी इनरविल क्लब डिस्ट्रिक्ट 301 से जुड़े हुए जो सदस्य उन्होंने बताया। साथ ही इसकी जो शुरुआत हुई है दक्षिणी दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस में, वहाँ पर जिस जगह पर इसका आयोजन हुआ उससे कितने लोग अब लाभान्वित होंगे, जो बच्चे हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी सुविधा मिलेगी, उसके बारे में आइए यहाँ पर सुनते हैं कि क्या क्या जानकारी जो है वो दी गई। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। सब करो खुश। और हमारे संगठन योगी जी से वो है, और मैं आज इन जो हमारी इंदु जी हैं और इनर वेल क्लब की सभी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी प्रभा जी का, जो हमारी जिला उपाध्यक्ष है मेहरौली से, और मैं अपनी मंडल अध्यक्ष भारती का भी शुक्रिया करूँगी। और इनको मैंने 2 साल पहले इनको देखा था, तो यहाँ पे मैंने जो देखा, मैं यहाँ पर आई, यहाँ का माहौल देखा, बच्चे बहुत, इनको कपड़े भी नहीं है इनके पास, इतनी मतलब बच्चे यहाँ पे हैं जो हमें आवश्यकता है इनकी सहायता करने के लिए। तो भारतीय से मैंने यहाँ पे एक पाठशाला खुलवाई, और आज मुझे गर्व हो रहा है कि भगवान ने मुझे जिस रास्ते में मैं भगवान श्री राम के उन पर चल रही हूँ, पर मेरे पास इतनी अच्छी बहनें भेजी, इंदु जी को भेजा, और सुषमा जी को भेजा, आज मुझे इनसे मिलाया, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी सहायता के लिए आए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मेरी ये सारी बहनें जो हैं, मुझे आज इन सबको देख कर, जब मुझे आज प्रभा जी ने सुबह बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो हो रहा है यहाँ। जब आप देखोगे, अभी आप पहली बार शायद आए हो, जब मैं हर बार आती हूँ, हर त्यौहार पे आती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, भारती को मेहनत करते हुए देखती हूँ, तो मुझे इन पे बहुत गर्व महसूस होता है कि एक लड़की 100 बच्चों को एक साथ कवर करती है, पढ़ाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी बहनें, सनातन धर्म की बहनें और भी मेरी जितनी भी हैं, और इनरविल क्लब की जो मैम हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप लोग आए, आप लोगों ने ये पाठशाला खोली और हमारी टीचर भारती जी का मनोबल बढ़ाया। तो मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और इनका साथ दूँगी, जैसे ये बोलेंगी मैं वैसा करूँगी, और हमेशा मैं इनके साथ दूँगी। तो हमें अपने भारतीय नारी जैसे कहते हैं ना, तो ये नारी तो नारी होती है, ये कुछ भी कर सकती है। तो मैं आप सबसे कहूँगी, पहले तो मेरी बहनों को सभी ताली बजाएं, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं।
नाम सुना है, ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती हैं। तो धन्यवाद आप सभी बहनों का, आप लोग यहाँ पे आए तो इसलिए इस पाठशाला का, इस शिक्षा का। कहते सबसे बड़ा दान होता है शिक्षा, तो शिक्षा से बड़ा दान कोई नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी और सभी सब मिल के काम करें। ये नहीं है कि हम इससे हैं उससे हैं, उससे मतलब नहीं है। हमें शिक्षा को आगे लेकर चलना है और अपना सबका स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इन तीनों चीजों को लेकर हमको चलना है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। हम संजय कॉलोनी भट्टी माइंस में हैं आज, और हम यही हमारी कोशिश है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है गुड एजुकेशन की, हम उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। और ये कुछ वर्ड हमारी प्रेसिडेंट भी बोलेगी। जी मैम, आज जो आपकी संस्था ने इनर व्हील, जो आपका क्लब है, इसके तरफ से जो संजय कॉलोनी भाटी माइंस में पहल की गई, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं और किन किन बच्चों को दी जाएंगी? जी, ये मैं प्रेसिडेंट इंदु प्रबंधक फ्रॉम रायसीना इनर व्हील क्लब ऑफ रायसीना हिल्स। आज हमने ये शुरुआत की है इनर व्हील पाठशाला खोलकर संजय कॉलोनी भाटी माइंस में। हमने यहाँ पे पहले विजिट किया और पाया कि यहाँ पे बच्चे इतने गरीब हैं कि वो स्कूल नहीं जाते, और उनको इनकरेज करने के लिए हमने ये व्यवस्था स्थापित की है। और हमने उनको ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, जिसमें हमने उनको एक रूम में सारा चीज़ पढ़ाई की व्यवस्था, और एक टीचर हैं जो उनको हर समय पढ़ाएंगी, और उनका भविष्य के लिए वे उनके लिए उनको तैयार करेंगे। आज हमने उनके लिए बहुत सारा सामान जो स्टार्टिंग के लिए चाहिए वो सब व्यवस्था की है। इसका इनॉग्रेशन आज हमारी चेयरमैन डॉक्टर उर्वशी मित्तल जी ने करना था, पर अनफॉर्चुनेटली शी हैड टू बी विद हर हस्बैंड बिकॉज इज हर हस्बैंड इज़ नॉट वेल। सो शी सेंड हर ब्लेसिंग्स कि आप जाइए और ये आप प्रोजेक्ट करिए आप आज। इसलिए आज हम सब, हमारा वो सारा ग्रुप और सारे मेंबर्स, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि शिक्षा का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। हम चाहते हैं कि हर बच्चा शिक्षित हो, और हमारा इनर व्हील का सबसे ज़्यादा जो महत्व, जो एम्फसिस है, वो एजुकेशन पे ही है। माता को जयकारा देना चाहती हूँ, भारत माता की जय, क्योंकि ये भारत देश जो है ये हमारी माता है, और कोई देश में माता की जयकारा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पहले भारत जो है वहाँ हर जगह से भारत माता की जयकारा लगती है। और राजे, आज जो हमारी चौथे माता नवरात्रि की उपलक्ष्य में, और ये इनर व्हील की हमारी रजनी दीदी लाने वाली है डोली दीदी को, और क्या कहते हैं इंदु जी को, सुषमा जी को, और भी सब है रूबी जी को, जो कि नाम मुझे नहीं पता, मेघा जी है, सभी बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ जो आज ये बच्चे हमारे पिछड़े हुए हैं भाटी माइंस में, आज ये पिछड़े हुए बच्चों को उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। रह रही हूँ महरौली, लेकिन चल के आती हूँ यहाँ ये सब काम करने के लिए, और बीच बीच में भी हम लोग इन लोगों को मदद करते रहे कि कैसे क्या करना। आज हमें ये मौका मिला है इनर व्हील की तरफ से, तो रजनी दीदी को मैं धन्यवाद करती हूँ, डोली दीदी को, कि जो कि आज इन लोगों का भी आगे प्रमोशन कर रहे हैं, और ये लोग हमारे योगदान दे रहे हैं जो बच्चों को शिक्षित होने के लिए। तो जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, और हर जगह शिक्षित हम करेंगे, वही यहाँ भी शिक्षित करने के लिए इनर व्हील क्लब से हमारी इतनी सारी बहना हैं जो कि आके और यहाँ का भाटी माइंस का उत्थान किया है।